श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार करने से जो ज्ञान होता है और विकारों के कारण जो ज्ञान होता है, इन दो ज्ञानों में बहुत फर्क है। विकार के प्रभाव में आकर के जब ज्ञान होता है तो अपने अंतकरण में भोग की प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है, और विचार के द्वारा प्रभावित होकर के जो ज्ञान होता है उसमें भोग की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती। देखो, अब इसको एक उदाहरण से बताएंगे। कल हमने ये उदाहरण दिया था, एक लड़का पीछे से किसी लड़की को देखा और छेड़ने के लिए सामने मोटरसाइकिल लेके गया, तो जैसे उस लड़की को देखा उसके मन में विकार आए और विकार के कारण उसकी छेड़छाड़ करने चला गया। लेकिन जब सामने से उसने देखा उस लड़की को तो वो 78 नॉट आउट थी, तो ये जो विकार थे ये विकार गायब हो गए और विचार प्रकट हो गए। अब बुढ़ाई को क्या छेड़छाड़ करे, कहीं उसको हार्ट अटैक आ गया तो खून का इंतजाम लग जाएगा, विचार हो गए। इसीलिए तथा तत् पदम परिमार्गितव्यम, हमने कल तक देखा था, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। हमने ना तो कभी अपना प्रारंभ जाना है, प्रारंभ तब होता है कि जब पहले अभाव हो। बच्चे का जन्म हो गया माने क्या, पहले बच्चा नहीं था, फिर पैदा हो गया तो उसके डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रारंभ है। इसी प्रकार से क्या हमको कभी अपने अभाव का अनुभव आया क्या, तो ना तो हमको कभी अपने आदि प्रारंभ का अनुभव है, ना तो बीच में विकारों का अनुभव है। किसी भी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं आता कि मैं बढ़ रहा हूं, कभी नहीं आता। उसी प्रकार से अपने अंत का अनुभव किसी को नहीं आता कि मैं खत्म हो गया, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब यहां कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाधिर न च संप्रतिष्ठा, हमने देखा कल शरीर जो है ये संसार का वृक्ष है, क्योंकि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, ऊपर से खाते हैं नीचे बढ़ते हैं, और कर्मानुबंधिनी, इसी शरीर में रह करके अच्छे बुरे कर्म हो गए और उस कर्म के फल के कारण हम सुख दुख के चक्कर में फंस गए। तो सवाल ये आता है कि ये कर्म कौन कर रहा है, तब तथा तत्पदम परिमार्गितव्यम। हम इसमें से निकलने के लिए यहां बताते हैं चौथे मंत्र में, तथा उसके पश्चात, किसके पश्चात, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ता से इस संसार वृक्ष को काटना है। अब ये असंगता का तात्पर्य क्या है, देखो असंगता का तात्पर्य ये है केवल समझदारी, बाकी कुछ नहीं है। जहां व्यक्ति फंस जाता है विचारों में वहां परेशान हो जाता है। आज मुझे एक ईमेल आई थी, यहां आने के पहले ही मैंने काका जी को दिखाया उसका उत्तर जो दिया था, तो उस लड़के ने लिखा 1 2 3 4 27 पॉइंट लिखे, तो ये 27 पॉइंट लिखने के पश्चात उसने कहा स्वामी जी बताओ मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। समस्या है, अब समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना है, तो पहले समस्या के प्रभाव से निवृत्त हो जाओ और निरपेक्ष भाव से उस समस्या का अवलोकन करें। और हमने, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है,
तो हमने उसका निरपेक्ष भाव से अवलोकन किया, उसको कहा अमुक अमुक करो। तो कहता है मेरे सर का इतने महीनों का सालों का जो बोझा था वो एकदम शांत हो गया। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। देखो तो असंग शस्त्र का तात्पर्य है जगत में व्यवहार करते समय हम कितने अपने आप को फंसा लेते हैं, यहां देखो आप। और फंसते कैसे हैं? दो चीजों से, संग्रह और संबंध का बोझा, यही फंसने का कारण है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, माने अब जब हम दुनिया से परेशान होना बंद हो जाएंगे उसके बाद तत्पदम परिमार्गितव्यम, फिर हमको ये परिमार्गण करना है। परिमार्गण माने अनुसंधान। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कल परसों को कोई पूछ रहे थे क्या लक्ष्य है जीवन। हम यदि ये देह नहीं है, जीव नहीं है, तो हम कौन है? अब इसके बारे में घुमा फिरा करके हम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल बता सकते हैं। ये इतना सिंपल है कि आप हम पर डाउट करोगे। देखो व्यक्ति को परेशान होने की जब आदत होती है ना, और कोई आदमी सरल सरल बता दे ये कैसे संभव है, लोगों ने भगवान की प्राप्ति के लिए कितने कष्ट उठाए, जंगल में गए, तपस्या करी, और आप कहते इतना आसान है, आपको पता नहीं। एक बार एक सज्जन एक हमारे जैसे फक्कड़ महात्मा के पास पहुंच गए, और जैसे पहुंचे तो उस महात्मा ने पहले उस गृहस्थ को, सज्जन को साष्टांग दंडवत किया, महात्मा ने दंडवत किया। तो वो गृहस्थ घबरा गए, महाराज जी क्या कर रहे? बोले नहीं, आपके जैसा त्यागी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। बोले महाराज क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हो? बोले नहीं बाबा सच बोल रहा हूं। बोले नहीं महाराज त्यागी तो आप हो। बोले हम काहे के त्यागी है, हमने इस तुच्छ संसार का त्याग करके उस अनंत परमात्मा के लिए चल पड़े, और आपका त्याग, आपने उस अनंत परमात्मा का त्याग करके तुच्छ संसार के लिए चल पड़े, बताओ त्याग किसका बड़ा है? तो बोले महाराज जी कुछ भी कहो, आप हमको उपदेश करो। तो उपदेश करने के लिए कहा, उन्होंने कहा क्या उपदेश करना है यार, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो वो सज्जन कहते हाँ मैं परमात्मा हूं, इनको क्या मालूम मैं क्या करता। मुझे लगता है बाबा जी को मालूम नहीं कुछ, इसीलिए झूठ मूठ बोल दिया। फिर निकले गुरु शॉपिंग करने के लिए। कई लोग निकलते गुरु शॉपिंग करने के लिए, वो भी निकले और दूसरे महात्मा के पास गए। महाराज जी हम उस महात्मा के पास गए थे, वो मुझे कहते मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं। कभी हो सकता है? ना कभी साधना करी, ना भगवान का नाम लिया, ना दान धर्म किया, ना गंगा जी में डुबकी लगाई, मुझे कहते कि मैं भगवान हूं, कैसे संभव है? मुझे लगता उनको कुछ आता नहीं। आप मुझे साधना बताओ। तो वो महात्मा भी हमारे जैसे थे, बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, बिना साधना किए थोड़ी परमात्मा का दर्शन होता है। हमारे यहां 200 गाय है, गौशाला में चले जाओ, गौ माता की सेवा करो, रोज गोबर साफ किया करो, उनकी जो पेशाब है उसको धोया करो, और ये तुमको सेवा करनी है एक तप तक। एक तप माने 12 साल, 12 साल तक सेवा करते रहे, पूरे हो गए। बोले महाराज जी, बोले हाँ मुझे याद है तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, कल सुबह नहा धोकर के आना डिटर्जेंट पाउडर से, तुम्हारे शरीर से गोबर की और पेशाब की बदबू आ रही है। 12 साल जो आदमी गोबर में रहेगा। नहा धो के दूसरे दिन गए और बोले महाराज उपदेश करिए। बोले तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। अरे राम यही तो उसने कहा था। बोले देखो उन्होंने कही हुई बात तुमने नहीं मानी तो तुमको गायों का गोबर उठाना पड़ा, अब मेरी बात नहीं मानोगे तो आदमी का गोबर उठा। हाँ
हमको परेशान होने की आदत पड़ी हुई है। देखो वो ये परेशान होने की आदत एक बार लग गई कि आदमी को शांति काटने को दौड़ती है, शांति आदमी सह नहीं सकता। देखो एक बार एक सज्जन बहुत बड़े इंटरनेशनल फॉर्म में काम करने वाले हमको मिलने आए, लोनावला में थे उस दिन हम, तो हम अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। जैसे आए बोले स्वामी जी, तो मैंने कहा दो मिनट बैठ लो, मैं इसको पूरा कर लूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने 5-10 मिनट में काम पूरा कर लिया। अरे बोलो क्या बात है स्वामी जी, यहाँ की शांति कितनी भयानक है, इट्स ए फ्राइटनिंग साइलेंस। देखो जिस आदमी को शांति भयानक लगती है वो आदमी कितना चांदनी चौक में रहने वाला होगा। देखो संतो हमको सरल चीज समझ में नहीं आती, टेढ़ी समझ में आती है। तो हम आपको ये हमारा लक्ष्य क्या है ये हमको आपको सरल बता दे, नहीं मानोगे तो गोबर ट्रीटमेंट होगी, याद रखना, फिर गोबर उठाना पड़ेगा जिंदगी भर। और सिंपल बात यह है आपका लक्ष्य वो है जिसको आपने कभी त्यागा नहीं और त्याग नहीं कर सकते, वो आप हो। अब ढूंढो पदम तत् परिमार्गितव्यम, ढूंढो क्या है। देखो हमने देह को त्यागा है, बचपन का जो देह था कहां चला गया, जवानी का देह था कहां चला गया। देखो जागृत अवस्था कितने बार त्याग दी, स्वप्नावस्था कितने बार त्याग दी, सुषुप्ति त्याग दी है, समाधि त्याग दी है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसको हमने कभी त्यागा नहीं, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है, जिसका त्याग हो सकता है वो संसार है। और इससे सिंपल क्या हो सकता है। देखो महाराज नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या है, गोबर उठाओ और क्या है, क्या करना है। देखो हम जो आपको मार्ग बता रहे हैं ना, देर इज नथिंग डूइंग, इट इज ऑल अनडूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल डेट। वी डोंट हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, इट इज ऑल अनबिकमिंग। लेकिन ये करना, कुछ बनना, इसका ऐसा प्रभाव दिमाग पर पड़ा है। इसीलिए द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण यही कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। तुमने सुन सुन के दिमाग में मोह कलिल माने मोह का कीचड़ इकट्ठा कर लिया है। और आदमी जब कीचड़ में फंसता है तो जितना प्रयत्न करेगा निकलने का और फंस जाता है। देखो महाराज इसीलिए ये सिंपल टेक्निक है, किसका हमने त्याग किया है तो जागृत का त्याग होता है, स्वप्न का, सुषुप्ति का, समाधि का। जागृत पुरुष जागृत में सीमित है, स्वप्न पुरुष स्वप्न में सीमित है, सुषुप्त पुरुष सुषुप्ति में सीमित है, समाधि वाला समाधि में है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख का भागीदार नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष के सुख दुख का भागीदार नहीं है, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सोता नहीं है, और जो समाधि में है लेकिन लगी समाधि टूटी समाधि ये झंझट जिसके पास नहीं है वो अपना असली स्वरूप है। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, परिमार्गण माने पहचानना, इसको पहचान। जैसी आंखें अन्य को देखती है उसी प्रकार से मन अन्य का चिंतन करता है, स्व का चिंतन मन नहीं कर सकता। और जब हमारा मन अपने स्वरूप में लौट जाता है
तो मन मर जाता है। और कौन चाहेगा अपना मृत्यु? कोई नहीं चाहता। तो मन क्या करता है, अपनी खुराक हमेशा खाता रहता है। मन की खुराक दो है विशेष रूप से। पहली खुराक है भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ उखाड़ करके खाना, पहली खुराक। दूसरी खुराक यह है कि जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करना, जिसको चिंता कहते हैं। और ये दो चैनल बंद कर डालो आप, मन जिंदा नहीं रह सकता। इस समय जो आपकी स्थिति है, ये ट्रेलर है परमात्मा का। इसमें आप कुछ, आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त तो तब होगा ना कि जब आप नहीं थे और फिर मिला। ये प्राप्तस्य प्राप्ति है। देखो, एक घर में, हम रांची में थे, मारवाड़ी घर में, चार मंजिल की बिल्डिंग, और हम नीचे के कमरे में रहते थे। तो एक दिन सुबह का टाइम था, 9 बजे का करीब, और उनकी छोटी सी लड़की 8-7 साल की दादाजी को घुमा रही थी। तो मैंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने मुझे कहा चुप बैठो, तो मैं चुप हो गया और दादाजी को घुमा रही है। दादाजी शायद बाथरूम में होगा, तो बाथरूम ले गई, वहां नहीं मिला। लेकिन उसके बाद आप मंदिर गए थे, मंदिर में होगा, मंदिर वहां भी नहीं मिला। लेकिन आप प्राणायाम करने के लिए छत पर गए थे, तो बेचारे चार मंजिल चढ़ के छत पर गए, वहां भी नहीं है। और खूब घुमाया घुमाया, फिर उसके माँ ने पूछा तुम क्या कर रही हो दादाजी को, माँ को भी कहा चुप बैठो। और फिर दादाजी थक गए, फिर कहते पता नहीं मैंने चश्मा कहाँ रख लिया है, हमेशा भूल जाता हूं, भगवान मेरी स्मृति वापस दे दो, हाथ जैसा सर पे मारा तो वहां चश्मा था। और ये बेटी हंस रही है, बाबू दादाजी को बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। देखो महाराज, ये हमारी स्थिति है। इसीलिए जिनको ज्ञान हो जाता है उनको अभिमान नहीं होता। ज्ञान मान जहू एक हूं नाई, क्योंकि ज्ञान क्या है, पहले मैं बेवकूफ था, ये ज्ञान है। देखो संतो, जैसे जैसी ये सूक्ष्मता बढ़ेगी, तदपदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयहा। और एक बार केवल हमको ये समझना है, पहचानना है, फिर हम इस दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया के बाहर रहेंगे। देखो बहुत सिंपल बात है संतो, ये कोई कठिन नहीं है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयहा, एक ही बार हम जिंदगी में तैरना सीखते हैं, दो बार नहीं सीखते। और तैरना सीखने के बाद यदि आप 25 साल तक तैरो नहीं तो भी आप तैरना भूलते नहीं। उसी प्रकार से बाइसिकल पर राइड करना भी हम एक ही बार सीखते हैं, दो बार नहीं सीखते। लेकिन यदि आप 40 साल के बाद फिर बैठो तो भी आपका बैलेंस बना रहता है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को केवल एक बार मात्र पहचानना है, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, रिपीटेशन, आवर्तन हमेशा परिच्छिन्न में होता है, परिपूर्ण में आवर्तन नहीं हो सकता। आज सुबह की क्लास हमने बताया, भगवान का नाम लो, शब्द परिच्छिन्न है, जय श्री कृष्णा 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 जब हो रहा है, रिपीट करते रहो और परेशान हो जाओ। उसके स्थान पर दो शब्दों के बीच का जो शांत स्थिति है, उस शांति में बैठ जाओ, जय श्री कृष्णा, चुप।
ध्यान से सुनना, जहां सीक्वेंस निर्माण नहीं होता वहां मन गायब हो जाता है। गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, एक घटना, उसके बाद कोई घटना नहीं, तो मन कहां है? जागृत अवस्था में सुबह हो गई, एक घटना, चाय का टाइम हो गया, दूसरी घटना, नहाने को जाना है, तीसरी घटना, लंच खाना है, चौथी घटना, एक के बाद एक। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया वहां मन पैदा हो गया। देखो, भगवान का नाम लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मन पैदा हो गया। देखो, कोई भी सीक्वेंस को निर्माण मत होने देना। सीक्वेंस निर्माण नहीं होगा तो कार्य कारण गायब हो जाता है। सीक्वेंस निर्माण नहीं होगा तो काल का निर्माण नहीं होता। टाइम इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस ऑफ सीक्वेंस। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। शास्त्रों के मंत्र आपको समझने पड़ेंगे, क्या उसका अर्थ है, क्योंकि वो शब्द है, और शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और जो शांति है, शब्द का अभाव है, वो आपको समझना नहीं पड़ेगा। देखो, आ गया समझ में? हाँ आ गया, खाक आ गया। अभी बताया ना कि जो समझ में नहीं आता वो हम है। केनोपनिषद में ये मंत्र आता है, विद्यार्थी को बता दिया, यन मनसान मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन में जानने की शक्ति है, लेकिन जो मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है वो परमात्मा है, वो परमात्मा तुम स्वयं हो। ये घंटी बजाने वाले तुम नहीं हो। ये बताने के बाद शिष्य कहता है, हाँ समझ में आ गया। तो गुरु महाराज गुस्सा करते, अरे बेवकूफ, यदि मन से सुवेदे थी धर्मेवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मण रूपम। यानी तुम जो कह रहे हो ना, केवल सापेक्षता से तुमने जाना है। ध्यान से सुनना, हम लोग शांति को केवल सापेक्षता से जानते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अशांति, बोलना बंद कर दिया शांति। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो शांति के कारण बढ़ता नहीं और अशांति के कारण घटता नहीं, वो अपना स्वरूप है। हमको अशांति समझ में आ सकती है, शांति समझ में आ सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। एक ऐसा तत्व है जो अशांति का भी आधार है और शांति का भी आधार है, और इसीलिए शांति अशांति दोनों के परे है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ये अपना स्वरूप है। तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये। उस आद्य पुरुष को हमको अपने आप को समर्पित करना है। पुरुष शब्द का अर्थ है, दो प्रकार से होता है। पुरुष माने पुरी शयनात् पुरुषः, पुरी माने देह, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। जो देह में प्रकट हो रहा है उसको पुरुष कहते हैं। और पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः। भले ही वो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हो, लेकिन देह के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा है। अब इसको उदाहरण से समझ लो।
ये जो बल्ब है इसमें प्रकाश है, तो ये बल्ब के प्रकाश को यदि हमको समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? इसमें एक दो प्रकाश है। एक प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है और उस प्रकाश से दुनिया देख सकते हैं। दूसरा प्रकाश वो है कि जो इस प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन यह बल्ब का प्रकाश बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इस बल्ब में बिजली दो प्रकार से प्रकट हो रही है, एक तो प्रकाश के रूप में और दूसरी जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली का कोई नुकसान नहीं। अब इसको अपने जीवन में लगा लो। आंखों से मन बाहर आया, तो आंखों से मन बाहर आया तो उसको दृष्टि कहा। यह दृष्टि रूप रंगों को प्रकाशित करती है। यदि ये आंखें जिसके माध्यम से मन दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, यदि आंखें किसी कारण से गड़बड़ हो गई तो भले रूप रंग को प्रकाशित ना करे, लेकिन उसके पीछे का जो मन है वो ज्यों का त्यों है। तो रूप रंगों को हटाओ, आंखों को कोई नुकसान नहीं। आंखें बंद हो गई, मन को कोई नुकसान नहीं। मन को हमने लपेट करके सिराने लगा दिया, चेतन सत्ता को कोई नुकसान नहीं है। यह जो अपना स्वरूप है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, ये अपनी असलियत है महाराज। आज तक कितनी चीजों को हमने छोड़ा है? एक को, हजारों को छोड़ा है बचपन से आज तक। और ये कल्पना करते हैं हम इसके सिवा जी नहीं सकते, ये सब सरासर झूठ है। हमारी किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति यह भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। देखो संतो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी ना ज्ञान की, जैसे हमारी आंखें नीले रंग को देखती है, लाल रंग को देखती है, पीले रंग को देखती है, तो आंखों पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ा है। समझो आप लोग यहां 100 के करीब बैठे हो, 100 के जगह में 200 लोग आ जाए तो क्या मेरे आंखों पर बोझा होगा? अरे यार बस कर रहा हूं, अब नहीं देख सकते हम नहीं। यदि कुछ कम हो गए तो कोई नुकसान हो गया आंखों को? यदि कोई नहीं है तो क्या फर्क पड़ा? देखो, तो जागृत अवस्था स्वप्नावस्था के कारण इस चेतन सत्ता को कोई लाभ नहीं होता, सुषुप्ति समाधि के कारण इस चेतन सत्ता को कोई हानि नहीं होती। वो अपना स्वरूप है संतो, उसको पकड़ो। लेकिन हम फंसे हुए हैं इस दुनियादारी में, इसीलिए जब तक के असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जब तक के यह असंगता जीवन में प्रकट न हो, तब तक के बस अपना चंदन का पत्थर ले लो और घिसते रहो जिंदगी में, कुछ नहीं होने वाला। देखो, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतने हम अपने स्वरूप के पास आएंगे। कठोपनिषद कहती है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा तो सब में ओत प्रोद ठसा ठस भरा हुआ है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि अपनी बुद्धि स्थूल हो गई है। हमारे वृंदावन की बात है, एक अम्मा स्वामी खंडानंद जी को कह रही थी, महाराज जी आप तो बड़े स्थूल बुद्धि वाले हो, आपको समझ भी आता है, हम लोग तो सूक्ष्म बुद्धि वाले, हमको समझ भी नहीं आता। राम राम। सूक्ष्म बुद्धि और स्थूल बुद्धि का अर्थ समझ लो एक उदाहरण से। एक बार एक सज्जन सुबह सुबह उठे और दाढ़ी करने के लिए चले गए, और जब दाढ़ी कर रहे थे अपने आईने के सामने, तो उनका पूरा गाल ऐसा कट गया पूरी, जैसे किसी ने लकीर खींच दी हो। तो चिल्लाने लगे, अरे बाप रे,
ये लोग इतना पैसा लेते हैं ब्लेड का, कितना खराब ब्लेड दे दिया, ऐसा जब कहा तो पत्नी को अच्छा मौका मिला। पत्नी ने कहा आपको तो सुबह सुबह उठ करके दुनिया की कंप्लेन के सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं, क्या हो गया उस ब्लेड को? खामो खाम चिल्लाते रहते हो। उसी ब्लेड से मैंने अभी अभी आपके पुत्र के पेंसिल को ठीक किया और वही ब्लेड वहां लगा दिया। अब जिस ब्लेड से पेंसिल को पेर किया जा सकता है, क्या दाढ़ी नहीं हो सकती? अब उस महामाया को कौन समझाए? देखो, जो तेज धार पेंसिल को पेयर करने के लिए लगती है और शेविंग के लिए लगती है, दोनों की क्वालिटी भिन्न होती है। दुनियादारी में बुद्धि लगाना ये भिन्न बुद्धि है और आत्मचिंतन में बुद्धि को लगाना ये भिन्न बुद्धि है महाराज। इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। इंटेलेक्चुअल्स आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग अबाउट एवरीथिंग, और केवल वो डाटा इकट्ठा करते रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी एक कहानी बताते थे। दो आदमी एक किसी आम के बगीचे में गए छुपके से। उसमें से एक हमारे जैसा था, फटाफट आम तोड़ करके खाने लग गया। दूसरा नोट्स निकालने वाला था। बोले मैं यहां देखता हूं कितने प्रकार के आम हैं, हर एक पेड़ को कितने आम लगते हैं, जरा डाटा इकट्ठा करो। ये डाटा इकट्ठा कर रहा है तब तक के वो उसका जो रखवाला था बगीचे वाला वो आ गया, और बस जो खा रहा था वो तो उससे आम फेंक करके भाग गया, अपने आप को बचाया। और ये नोट्स निकालने वाला पकड़ा गया। ये दुनिया में नोट्स निकालो महाराज, मौज में रहो, बस यही सबसे बड़ी साधना है। जिस आनंद का कोई कारण नहीं होता वो परमात्मा है, जिस आनंद का कोई कारण होता है वो जीवात्मा है। देखो जब शादी होती है तब कितना खुश होता है आदमी, लेकिन कब तक? एक बार एक अंग्रेज हमको पूछ रहे थे, पूना की बात है, किसी छोटे बच्चे की वहां जनेऊ हो रही थी, तो उसने पूछा कि ये छोटे बच्चे का विवाह हो रहा है, इसकी वो ब्राइड कहाँ है? हमने कहा ये विवाह नहीं है, इसको जनेऊ कहते हैं। वो लेकिन इंडिया में तो बच्चों की शादी होती है, यहाँ होती है, हमारे यहाँ सब कुछ संभव है। तो बोले एक मुझे और पूछना है, यहाँ आपके यहाँ के लोग शादी में मैं देखता हूँ, दो तीन बार देखा हूँ कि जो लड़की है वो रोती है, उसमें रोने की क्या बात है? लड़का नहीं रोता, ऐसा क्यों? हमने कहा यही एक दिन है जिस दिन लड़की रोती है, पूरे जिंदगी भर लड़का रोता है। देखो महाराज, जैसे जैसे आप सूक्ष्म हो जाओगे वैसे वैसे आप प्रश्न पूछना बंद करोगे। हमको आज सुबह भी किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपसे कुछ प्रश्नोत्तरी करनी। हमने कहा हम प्रश्नोत्तरी करते नहीं, जितना यहां बताते उतना ही है, और इंडिविजुअली हम किसी को नहीं मिलते, कोई सीक्रेट नहीं है जीवन में। देखो महाराज, इससे और क्या बताना है कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा न, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं उसके बाद। देखो महाराज, इसीलिए तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे। तो इस शरीर में प्रकट होने वाला कौन है? देखो, क्या दृष्टि मैं हूं? जब दृष्टि चली जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।